हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज हम बात करेंगे कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल कौन है? तो कन्हैया मित्तल को आज देश और दुनिया में कोने कोने में लोग जानते हैं। कन्हैया मित्तल जी भारत के एक प्रसिद्ध और सबसे कम उम्र के भक्ति गायक हैं, जिन्होंने भजन जो राम को लाए हैं के लिए भी जाना जाता है। कन्हैया मित्तल को भक्ति गायन के लिए 2020 में दिव्य सम्मान पुरस्कार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने कन्हैया मित्तल की गायन की प्रतिभा की सराहना की है। कन्हैया मित्तल जब 7 साल के हुए तो उनके घर की गली में जागरण था, तो उन मंडली वालों ने गाने के लिए कहा कि कोई गाना गाना चाहता है, भजन गाना चाहता है तो गा सकता है। तो उन्होंने कन्हैया मित्तल ने एक भजन प्रसिद्ध किया, गाया, तो वो मंडली वालों को बहुत पसंद आया। उनका कहना है कि उनके मामा की एक मंडली थी, उनके मामा सुरेंद्र अग्रवाल की भजन मंडली है, बचपन से उनको गाते हुए और उनको भजन लिखते हुए देखा है उन्होंने, तभी से उनकी रुचि संगीत के प्रति बढ़ती चली गई। वे मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले हैं और वर्तमान में चंडीगढ़ में रह रहे हैं। कन्हैया मित्तल जी ने किसी कारणवश 2015 में कीर्तन बंद कर दिया था। फिर कन्हैया मित्तल ने 3 जनवरी 2016 में हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है नामक अपना पहला भजन लिखा था, और उन्होंने 26 जनवरी को सूरत में एक बड़े कार्यक्रम में प्रदर्शन किया जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कन्हैया मित्तल आमतौर पर भक्ति गीतों और विशेष रूप से खाटू श्याम के भजनों को गाने के लिए जाने जाते हैं। कन्हैया मित्तल को जो राम को लाए हैं उनका प्रसिद्ध भजन है, जिससे ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए अपने जीवन में। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा।